महिलाओं की तादाद भी यहाँ पर भरी हुई है, जिसमें महिलाएं हत्या की गई है, जिस तरीके से उसको रेप के बाद हत्या कर दी गई है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इस मामले को पूरी तरीके से दबाया गया है, कहीं भी किसी तरीके से इस मामले को जितना दबा सके ये पुलिस ने दबाया, तो ये बहुत शर्म आने वाली बात है। और एक और सवाल आ गया, इस समय आपके लिए बधाई दे रहे हैं कि आप बहुत आगे जाएंगे, जो अमित कन्नौजिया जी दे रहे हैं आपको। और दूसरा सवाल आपके लिए ये आ रहा है कि ये लड़ाई सबसे पहले कौन सी राजनीतिक दल ने छेड़ा, ये जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम इतना जानना चाहेंगे कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, आपके कई जिले से लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपके सभी लोग लगातार आपके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन आप उन लोगों से कांटेक्ट में कैसे आएंगे? जिस परिवार को माता चाहिए उसको देंगे नहीं, जिसको नहीं चाहिए उसको देंगे, वो उसके खुद भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वो गरीब परिवार है, उनको 25,000 रुपये माता दिया जाए, उनके हथियारों को मानी दी जाए, अगर ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये संघर्ष करो। शमीम साहब, आप लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, और जैसा कि ये मामला है ठाकुरगंज का मामला है, इस पे आज यहाँ पर जमा हुए हैं आप कार्यकर्ता उस परिवार के साथ, किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आज हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं एक मासूम तरन्नुम के हत्यारों को, जो मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस के पास पीड़ित परिवार गया जी, पुलिस ने जो है पीड़ित परिवार को भगा दिया। उसके बाद सुबह पीड़ित परिवार गया, मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, जब सुबह पीड़ित परिवार गया तो सुबह उसकी मोटरसाइकिल चेक खड़ी कर ली गई, उसे बोला गया पेपर चेक कराओ, और 10:30 बजे पता चलता है कि उस बच्ची की लाश झाड़ियों में पड़ी है। तो ये बहुत शर्म की बात है, यही अगर कोई पैसे वाला होता, उद्योगपति होता, तो शायद उसके साथ आज इंसाफ हुआ होता, लेकिन इस गरीब इस मासूम के साथ हुआ है, इसलिए हम लोग आज इस चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पे आके अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस गरीब बच्ची को, इसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। शम साहब, ये कोई पहला मामला नहीं है, शमीम साहब, ये कोई पहला मामला नहीं है, ठाकुरगंज थाना लगातार विवादों में है, लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, योगी सरकार लगातार कानून के लिए घेरी जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही, क्या कारण? थाने में जो CO है जी, ठाकुरगंज थाने जो एरिया के, उस दुर्गा प्रताप तिवारी जो CO है जी, और जो ठाकुरगंज इंस्पेक्टर हैं, अगर उनके रहते हुए इतनी ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं और इतनी बदसलूकी किया है उन लोगों को, उन्होंने लोगों से, हमारे लोगों से, हम लोग गए थे बात करने के लिए, तो इनको तो तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए सरकार को, और सरकार इस बात पे सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को शहर से बाहर किया जाए जो शहर राजधानी में जो रक्षा नहीं कर सकते। बोले हमारी 72 घंटे ड्यूटी हमारी जिम्मेदारी, वो मुझे एक्सक्यूज दे रहे हैं कि 72 घंटे से मैं जगा हुआ हूँ, तो ये ड्यूटी 72 घंटे से जगे हुए हैं, तो ये तो सरकार से बोलिए जाते हैं, आप पब्लिक से कैसे बोल सकते हैं ये बात? क्या मुख्यमंत्री से आपकी कोई वार्ता हुई इस संज्ञान में? मेरी मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब के पास मैं अपना ज्ञापन देने जाऊंगा। मैंने उस बच्ची के इंसाफ के लिए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, DGP को, SSP को, DM को, सबको चिट्ठी लिखी है। आगे क्या कार्रवाई करें, क्या रणनीति होगी? राष्ट्रपति से लेके और यहाँ तक के प्रधानमंत्री से लेके सबको हमने कंप्लेंट किया और सबको चिट्ठी लिखी। आज के धरने के बाद क्या करेंगे आप?
आज के धरने के बाद हम बात करेंगे सरकार से, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च कर रहे हैं, इसके बाद ये धरना प्रदर्शन करेंगे।